नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर खान, आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं केटीएन न्यूज़ में। जैसा कि पूरे देश में 14 अप्रैल तक लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है, इसके मद्देनज़र मुस्लिम धर्मावलंबियों की एक प्रमुख त्यौहार शबे कद्र की रात, शबे बारात जिसे कहते हैं, वह बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती रही है। लेकिन लॉकडाउन होने के तत्पश्चात आज देखा जा रहा है कब्रिस्तान, जहाँ पे एक वक्त पिछले साल की बात कर लें अगर हम, तो जहाँ पर सैकड़ों की तादाद में लोग आते हैं और अपने अपने जो उनके रिलेटिव, जो उनके रिश्तेदार इंतकाल हो गए हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, तरह तरह की मन्नतें मांगते हैं। तो आप देख सकते हैं, इस कब्रिस्तान को देखें, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे वो कृपया इस कब्रिस्तान को दिखाएं, कितना सन्नाटा भरा पड़ा है। हालांकि सजावटें की गई है, यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा सजावटें किए गई हैं, आप देख सकते हैं कैंडल किस तरह जल रहे हैं, लेकिन दुआ मांगने वाले एक भी नहीं है। आप खुद जूम करके दिखा दें, कैमरा पर्सन से कहेंगे जूम करें और उस कब्रिस्तान कब्रगाह को दिखाएं कि वहां पर एक भी पर्सन नहीं है। कहा जा सकता है लॉकडाउन का ख्याल रखा गया है, यहाँ के स्थानीय लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। आप यहाँ पे एक भी जमावड़ा, एक भी इंसान आपको नहीं दिखने को मिलेगा। जो सजावटी की गई है वो काफ़ी खूबसूरत सजावटी की गई है, आप स्वयं देखें। आप देख सकते हैं किस कदर सजाया गया है कब्रिस्तान को। हम इस कब्रिस्तान का नाम का जगह बता दे रहे हैं कहाँ पर है। ये ऑफिसर्स कॉलोनी वार्ड नंबर 7 स्थित यह कब्रगाह है। कुछ लोग जो लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वह तो नहीं आ पाए हैं, लेकिन वो अपने घर में ही रह करके इबादत कर रहे हैं। जहांगीर आलम के साथ मैं आमिर खान, केटीएन न्यूज़ कटिहार के लिए। बरारी विधायक नीरज कुमार ने गुरुवार को प्रखंड मुख्यालय बरारी पहुंचकर बरारी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल पदाधिकारी, कृषि पदाधिकारी सहित रेफरल अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी से क्षेत्र में चल रहे कार्य का जानकारी लिया। द्वारा संचालित प्री नर्सरी टू 10th वाधा कैंपस सेपरेटेड हॉस्टल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज ट्रेंड एंड डेडिकेटेड टीम सेफ एंड सिक्योर कैंपस। Admission open for new session. Contact for details. Branded school. Meditech Symbiosis Academy. 6299779474. 6200706.